बिहार में नीतीश की सरकार जिस सुशासन के नाम से जानी जाती है, शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन उसकी हकीकत को देख के आप भी अवाक रह जाएंगे। समस्तीपुर जिला मुख्यालय से करीब 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक आंगनवाड़ी सेंटर की हकीकत हम आपको दिखलाना चाहते हैं। तस्वीर भी देख लीजिए, बोर्ड में लिखा हुआ दिखिए, समेकित बाल विकास सेवा परियोजना है। कल्याणपुर समस्तीपुर का यह हिस्सा है। सेविका धनती कुमारी है, सहायिका का नाम मेनता देवी। आंगनवाड़ी सेंटर संख्या 382, केंद्र का नाम है शंभू राम टोला भराव। जब स्पॉट पर हम पहुंचे, आंगनवाड़ी सेंटर को देखने की हमारी ललक थी, इच्छा हुई कि आखिर इस बस्ती के लोग, महादलित बस्ती के लोग, यहाँ के बच्चे कैसे अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। वो अभी इस सपना के साथ कि मेरा बच्चा भी बड़ा होगा तो शायद एक दिन नीतीश कुमार की कुर्सी पर बैठेगा, क्योंकि हक की बात करते हैं बिहार की सरकार में बैठे नीतीश कुमार। देखिए कि शिक्षा व्यवस्था कैसे छोटे छोटे बच्चों का शिक्षा यहाँ पर कराया जाता है। ये जो तंगहाल झोपड़ी है, झोपड़ी की तस्वीर ऊपरी परत को हम अपने कैमरे की मदद से आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए, बारिश की बूंदे तो छोड़िए, सूरज की रोशनी भी डायरेक्ट नीचे गिरती है और झोपड़ी के अंदर ये जलावन, जिससे यहाँ के बस्ती के लोग, गरीब लोग खाना बनाते हैं। दूसरा कोई साधन उपाय न। कितना दिन से चल रहा है? कतेक दिन से यही न चल है, आ दहा रहा है तो बंद भ गए, कोई उपाय नहीं है। यहाँ कोई उपाय नहीं, बारिश में भी बंद रहता है, बारिशों में देखा छे टूटल फाटल है, से तो गिर भी जाएगा बच्चे। हाँ, कभी हादसा हो जाएगा। यहाँ कोई देखे वाला नहीं, कोई अधिकारी नहीं आता, सीडीपीओ मैम खाली बात बना कर चल जाता है, और कोई देखे वाला कोई वीडियो आए कभी? हाँ, वीडियो कभी दहाड़ में जल किन बाद फिर देखे कर कभी? अपने विधायक से शिकायत नहीं किए कि इस तरह से परेशानी हो रही है बस्ती में? यहाँ सब दहनाल छत्र है, कभी आयल कभी न आयल, यहाँ कोई देखने वाला नहीं, भगवान भरोसे व्यवस्था। हाँ, दार में हम सब छप्पर पर हम सब रह लिए। कितना नाम बच्चा होगा इसमें नामांकित? 40 गो बच्चा के चाहबै छी। और ये सामने जो दिखेगा नव सृजित प्राथमिक विद्यालय ये है, लेकिन ये सामुदायिक भवन है, और वो सामुदायिक भवन जिसके अंदर में गरीब लोग रहते भी हैं। जिस प्राथमिक विद्यालय के अंदर हम आपको लेके आ रहे हैं और दिखलाना चाहते हैं, बच्चे कहाँ हैं, पढ़ाई कहाँ होंगे, जगह का स्पेस आप थोड़ा सा देख लीजिए। अब बच्चा आएगा तो फिर आप हर जगह, फिर बच्चा चला जाएगा, फिर आप में रहिएगा। ये है क्या चलते टूटे के फूटे के लेल हमरा अगर कहली हती। टीचर कभी कभी आते हैं? टीचर तो किसी अबीन अखन किसी कम भी कभी बैठल का इम्हर अखन लोग तहिया से बंद है, लगातार बंद है। कितना दिन से बंद होगा? ये बुझू जे फागुने से बंद है, फागुने से 4-5 महीना हो गया। हाँ, तो विद्यालय का जमीन मिले, विद्यालय का निर्माण हो, इसके लिए आप लोग प्रयास नहीं किए कभी? बहुत प्रयास के लिए, वो जमीन जो है वो आम वाला वह है जमीन वहाँ से हुआ तक के 9 बीघा, आ कोई सुनवाई नहीं, अभी नाफी जोखी भाग गई आ से न सुनवाई। स्कूल के नाम पर मजाक किया जा रहा है गरीबों का? हाँ, 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 सरकार गंभीर नहीं है, सांसद विधायक कोई नहीं, कोई नहीं। प्राथमिक विद्यालय जी नौसरी, कैमी से कैमी तक पढ़ाई होती है? 1 से 5 मिनट तक, पहली से 5 मिनट, 5 मिनट तक। ये जो ये कौन सा जगह हुआ जहाँ पर ये विद्यालय है? ये स्थान है काली स्थान। अच्छा, उसी स्थान में समुदाय भवन है, उसी में पढ़ाई लिखाई। तो टीचर हैं यहाँ सरकारी? जी हाँ, एक टीचर है। नाम क्या है? चंद्र किशोर है। तो प्रत्येक दिन आते हैं? आते हैं। और कितने बच्चे की पढ़ाई यहाँ पर होती है? बच्चा लगभग यहाँ 100 से बेसी होगा, 100 से ज्यादा जी। तो फिर जगह तो दिखता नहीं है, कैसे पढ़ाई होती है बरसात में, फिर धूप में कैसे? ज्यादा बाढ़ आता है तो यहाँ तो होता ही नहीं पढ़ाई, बंद हो जाता है बरसात में। बरसात में बंद हो जाता है, और बच गया सूखा रूखा रहता है तो आते हैं तो होता है पढ़ाई लिखाई। तो साल के 6 महीने बंद रहते होंगे? 6 महीने नहीं, लेकिन 3 महीना 4 महीना तो बंद ही रहता है। अच्छा, तो फिर बैठने का भी व्यवस्था नहीं कैसे? जी बैठने का भी व्यवस्था नहीं है, नहीं कुछ जो है सो यही है टूटा फूटा जो। तो इसमें चलता है विद्यालय जी, और आंगनबाड़ी भी? आंगनबाड़ी है बगल में चलता है, झोपड़ी में जी। तो कैसे बच्चे उसमें बैठते हैं? नीचे में बैठते हैं, छोटे बच्चों को ज्यादा साफ सफाई। इसमें भी बारिश उरिश होता है तो बच्चे को रहने के लिए कोई जुगाड़ है नहीं, तो बंद हो गया जी, बंद हो गया। आसमान में बादल छाए, विद्यालय बंद, बंद। धूप तेज हुआ, विद्यालय बंद, कोई छत नहीं है सर।
कुछ नहीं, तो मांग नहीं करते आप लोग? हम मांग करते हैं, केंद्र के लिए बोले तो कहे कि जमीन है नहीं, हम देंगे कहाँ, बनाएंगे कहाँ, वो जमीन बदलाव की, तो जमीन के लिए हम लोग मांग किए, तो जमीन एक उभरा है, तो हम लोग पता होता कि सीओ साहब को भी आवेदन उवेदन दिया है, एक बार जमीन का भी नापी उपी हो गया है, लेकिन फिर रिफ्रेंस नहीं आया जो कोई जो क्या बने ना, तो बिना व्यवस्था का विद्यालय कैसे, बिना व्यवस्था का विद्यालय कैसे ही चल रहा है, नैया चल रहा है मान के चलिए, तो एक गरीब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? जी बिल्कुल हो रहा है सर, तो आप लोगों को तो गंभीर होना चाहिए, मांग करना चाहिए, मांग किए हम लोग सुनता नहीं, तो क्या करें। टीचर के बारे में लोगों का बताना है कि कभी आते हैं कभी नहीं आते, उनकी मजबूरी भी है, लोग बहुत ईमानदारी के साथ बता रहे हैं कि साल में जब बरसात का समय आता है, जब धूप बढ़ता है, तो टीचर नहीं आते, क्योंकि मजबूरी है, धूप डायरेक्ट नीचे, बैठने की जगह नहीं, टीचर करे तो क्या, बेबस हैं टीचर, इसलिए नहीं आते। और इस हालात में बिहार की सरकार शिक्षा के दावे कर रही है, पहले से पांचवी तक बेहतर शिक्षा की बात, आंगनबाड़ी सेंटर के अंदर जो है सो बेहतर शिक्षा व्यवस्था की बात, योजनाओं की बात, आखिर यह झूठा नहीं तो सच भी नहीं, और ऐसे में बिहार में सुशासन की सरकार जो दावा कर रही है उसके एक जीवंत हकीकत यह भी है, जो सीधा सीधा गरीबों के शब्दों में कहें तो गरीबों के साथ यह मजाक है। ग्रामीण आवाज के लिए मैं दीपक कुमार तिवारी, समस्तीपुर कल्याणपुर बिहार।